नमस्कार मित्र, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों, मित्रों मैं गलत नहीं बोलूँगा, कसम खा कर कहता हूँ कि मेरा वादा है आपका एक एक आंसू दूर होगा अगले 3 दिनों में। कोई फूटी किस्मत वाला ही होगा जो इस वीडियो को नहीं देखेगा। मित्रों अब तो स्वयं परमात्मा ने भी कह दिया है कि आपके जीवन में सुख आने वाला है। मित्रों दिनांक 28 नवंबर, 29 नवंबर और 23 नवंबर, नवंबर महीने के आखिरी 3 दिनों में आपको जीवन के सारे सुख मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत खास होने वाली है, आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो में बताई गई एक एक जानकारी समस्त ग्रह गोचर की चाल एवं नक्षत्रों की चाल पर आधारित है। तो सर्वप्रथम तो सिर्फ महादेव के सच्चे भक्त ही इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा, गुरुदेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मित्रों कौन सी सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी, कौन सी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा और मित्रों कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम आपको यही सारी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो चलिए अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं अगले 3 दिनों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि जिस विषय की जानकारी नहीं है उसके बारे में सोचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप उस क्षेत्र में कदम बढ़ाने का सोच रहे हैं। मित्रों तो आपको यह बात जरूरी है कि आवश्यक जानकारी ले लें और खुद के प्रयत्नों से ही समस्याओं के हल प्राप्त होंगे। यदि किसी और के भरोसे बैठे रहोगे तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है। भावनाओं में बहकर किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया ना दे, वरना आपके साथ मित्रों कुछ दिक्कतें हो सकती है। और यदि आप अपने काम में क्षणिक भी परिवर्तन करना चाहते हैं, थोड़ा सा भी बदलाव करना चाहते हैं, तो शुरुआत में दिक्कतें महसूस होगी, लेकिन आप देखेंगे कि समय के साथ सारी दिक्कतें सुलह में बदल जाएगी और रिलेशनशिप से संबंधित तकलीफ दूर करने का रास्ता आपको मिलेगा। मित्रों बदन दर्द हो सकता है तो थोड़ा सा सेहत पर आपको ध्यान देना है। मानसिक रूप से जीवन में आपको उतार चढ़ाव महसूस होगा, इसका असर काम पर भी हो सकता है। मित्रों ध्यान रखिएगा कि अपने मानसिक मनोस्थिति को पूरी तरह से विकसित करने पर ध्यान दें। किस तरह से आप कैसे स्वयं के जीवन को बहुत बढ़िया बना सकते हैं, इस बात पर आपको कोशिश करनी चाहिए। आपके द्वारा लिए गए निर्णय के कारण परिवार के कुछ लोग नाराज रहेंगे, क्योंकि आपके द्वारा जो निर्णय लिया गया है मित्रों उन लोगों का साथ आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा जिन लोगों से आपने अपेक्षाएं रखी थी, लेकिन कुछ लोग आपका साथ भी देंगे। विदेश से संबंधित काम के लिए यह समय बहुत सही साबित होगा। मित्रों यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो समय काफ़ी उत्तम है। इस लिहाज से व्यापारी वर्ग काम करते समय दस्तावेज से संबंधित बातों को ठीक से परखना होगा मित्रों, क्योंकि आपके साथ धोखा होने की संभावनाएं बन रही है। आप जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास दिखाते हैं उसी व्यक्ति के हाथों आपको धोखा मिल सकता है। मित्रों पार्टनर के कारण हो रही मानसिक तकलीफ का असर अन्य बातों पर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्टनर और आपका जीवन अलग है, यह निजी जीवन है और कार्य क्षेत्र में आपको मित्रों समझदारी से काम लेना है। दो बीबी की समस्या आपको हो सकती है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर आपको मित्रों विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। हालांकि इस समय के अंतराल में आर्थिक चिंता आपको सताती रहेगी, पैसों से संबंधित चिंता रहेगी, काम पर ध्यान देना होगा मित्रों।
काम पर फोकस बना रहेगा तो पैसा भी स्थिर रहेगा। आगे बढ़कर किसी बड़े काम पर नियंत्रण करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। स्वभाव में जितना अधिक लचीलापन रखेंगे उतनी आसानी से आगे बढ़ पाएंगे और करियर से संबंधित अवसर मिलने के बाद भी उनका उचित उपयोग ना होने से आपको पछताना पड़ सकता है। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि करियर से संबंधित अवसर आपको मिलेंगे, जी हाँ, और उन अवसर का फायदा आपको उठाना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सोच सोच कर समय और वक्त को खराब करें। सही व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप बन सकती है और शारीरिक कमजोरी दूर करने की कोशिश आपको अवश्य करनी चाहिए। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि विचारों में जो बदलाव आ रहे हैं, उन बदलाव के कारण सोच में भी परिवर्तन होगा। जिस प्रकार से मानसिक स्थिति सुधरेगी, उसी प्रकार से आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, विचारों में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि विचारों के जरिए ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और स्वयं को बदलते हैं। मित्रों, अभी कुछ समय एकांत में बिताएंगे तो नकारात्मकता अवश्य ही दूर होगी। मित्रों के साथ बिताए हुए वक्त के कारण उदासीनता आपकी दूर हो सकती है। मित्रों, आपको ध्यान रखिएगा कि आप जितने ज़्यादा अपने करीबी लोगों के समीप रहेंगे, अपने प्रिय लोगों के समीप रहेंगे, उतना ही सकारात्मक और उतना ही आनंदात्मक वातावरण आपके आसपास बना रहेगा। मित्रों, अभी कुछ समय आप एकांत में बिताएं। मित्रों के साथ बिताए हुए वक्त के कारण उदासीनता दूर हो सकती है। आपके लिए अपने काम के जरिए अन्य लोगों को प्रेरित रखना संभव हो सकता है, क्योंकि आप अपने काम को बहुत ही बारीकी से और अच्छी तरीके से करने में सफल होंगे। लव रिलेशनशिप से संबंधित निर्णय में बार बार बदलाव ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यूरिन से संबंधित दिक्कत बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। मित्रों, अपने संकल्प शक्ति बरकरार रखते हुए कठिन निर्णय लेने की आपको आवश्यकता है। आपको मित्रों संकल्प लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अन्य लोगों के अहंकार और गुस्से का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अपना पक्ष शांति से समझाने की कोशिश करें मित्रों, क्योंकि अक्सर होता है कि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और लोगों को अपनी बात समझाते हैं, तो आपसे ईर्ष्या और जलने वाले लोग हमेशा आपका विरोध ही करेंगे। लोगों की आलोचना के कारण आपको थोड़ा चिंतित महसूस होगा, लेकिन समय आपके पक्ष में रहेगा तो लोगों की आलोचना का तनिक भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। मित्रों, सरकारी काम करने वालों को वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है और पार्टनर के व्यक्तिगत जीवन में जरूरत से अधिक बदलाव करने की कोशिश गलत साबित हो सकती है। हीमोग्लोबिन से संबंधित दिक्कत आपके ऊपर रहेगी मित्रों। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जिस लक्ष्य के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, उससे संबंधित मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मित्रों लक्ष्य आपका बहुत बड़ा है लेकिन मेहनत आपकी कम पड़ रही है। इसलिए सलाह दी जाती है कि लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत को बढ़ाएं। व्यर्थ बात की वजह से अपनी एकाग्रता बिल्कुल भंग ना होने दें। यदि मानसिक रूप से आप स्थिर हैं, तभी अन्य लोगों की से मदद करने की कोशिश करें मित्रों। आपको सुपाच्य भोजन ग्रहण करना है और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को ट्रेनिंग के कारण फायदा होगा और रिलेशनशिप ठीक करने के लिए बातचीत सुधारने की आवश्यकता है। पैर पर किस सूजन हो सकती है तो आपको बता दें कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और प्राणायाम और योगा और मेडिटेशन को अपने जिंदगी में आपको मित्रों जोड़ना चाहिए, ताकि इससे आपके मन को शांति मिल सके और जीवन में आगे के कार्यों को आप सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। मित्रों, एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने दैनिक जीवन में आपको अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए। तो अब आप सभी को बता देते हैं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो
अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा। और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञान वर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़